हेलो दोस्तों, जो लोग सऊदी अरेबिया में अपने मोबाइल फोन में चाहे अपने कंप्यूटर में वीपीएन डाउनलोड करके कनेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि अगर हमारे मोबाइल फोन में वीपीएन है और यहाँ की जो पुलिस है पकड़ती है, तो कितना रियाल तक जो है फाइन है, और क्यों जो है सऊदी में वीपीएन चलाने पे जो है गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि वीपीएन सऊदी में क्यों नहीं आप चला सकते हो। देखिए दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल फोन में वीपीएन को कनेक्ट करते हो तो आपका फोन का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहता है। हर मिनट में, हर घंटे में आपका आईपी एड्रेस जो है चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ की पुलिस, सऊदी पुलिस, चाहे कहीं की भी पुलिस अगर आपका जो है ट्रैक करना चाहे, आपका जो लोकेशन है पता करना चाहे कि आप कहाँ पे हो, तो पता नहीं कर सकती है। पता कर सकती है, बाकी दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल है पता करना, क्योंकि दोस्तों आपका आईपी एड्रेस जो है चेंज होता है, और आईपी एड्रेस से ही पता कर सकता है कोई भी पुलिस का आदमी, कोई भी गवर्नमेंट का आदमी कि आप कहाँ पे हो। तो इसके वजह से ध्यान में रखते हैं, सऊदी में जो है वीपीएन चलाने पे जो है गैर कानूनी माना गया है। दूसरी बात दोस्तों, वीपीएन वही लोग यूज करते हैं ज्यादातर जो साइबर क्राइम करते हैं। साइबर क्राइम होता क्या है आप समझ लीजिएगा दोस्तों। साइबर क्राइम ये है कि किसी के बैंक अकाउंट से कोई जो है पैसा चोरी करता है वीपीएन के थ्रू, चाहे किसी के कंप्यूटर के डेटा जो है चोरी करता है, वो साइबर क्राइम में माना जाता है। जैसे कि आप जो है सऊदी में रहते हो और सऊदी के ही खिलाफ किसी दूसरे देश से आप जो है सऊदी के खिलाफ काम कर रहे हो इंटरनेट के जरिए, तो उस दोस्तों उसको भी दोस्तों साइबर क्राइम में जो है जोड़ा जाता है। तो इसके ध्यान में भी रखते हुए दोस्तों, सऊदी में जो है वीपीएन को चलाना गैर कानूनी जो है माना जाता है। तीसरी बात दोस्तों, जो सऊदी का टेक्नोलॉजी सीआईटीसी नेटवर्क है, जो वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है, जिस ऐप को जो है बैन कर रखा है, अगर आप उस ऐप को चाहे उस वेबसाइट को वीपीएन के थ्रू ओपन करते हो तो साइबर क्राइम माना जाता है। तो इसके ध्यान में रखते हुए भी दोस्तों, वीपीएन को सऊदी में चलाना गैर कानूनी जो है माना जाता है। लास्ट में आ जाते हैं कि दोस्तों, सऊदी में अगर आप वीपीएन यूज करते हो तो यहाँ की पुलिस जो है पकड़ती है, तो कितना रियाल तक जो है फाइन है। तो दोस्तों, 5 लाख रियाल का फाइन है और 10 साल का जो है जेल है। आपने सही सुना, जो लोग वीपीएन के थ्रू साइबर क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं वीपीएन के थ्रू, उन लोगों के ऊपर ये जो है कानूनी कार्रवाई किया जाता है। और दोस्तों, जो वीपीएन होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो इसके वजह से दोस्तों हर कंट्री का जो गवर्नमेंट है वीपीएन पे जो है पाबंदी लगा रखी है। तो एक चीज मैं सऊदी गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा, अगर आपने वीपीएन को बैन कर रखा है तो आपको प्ले स्टोर से चाहे किसी भी वेबसाइट से कोई भी बंदा जो है वीपीएन डाउनलोड ना कर पाए, ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर बैन रहेगा तो आप क्यों जो है प्ले स्टोर पे जो है वीपीएन डाउनलोड कर सकता है कोई, चाहे वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से वीपीएन डाउनलोड कर सकता है। तो बैन जो है हमेशा के लिए लगा दीजिए, कोई भी अपने फोन में जो है वीपीएन नहीं डाउनलोड कर पाए। अगर आप वीपीएन यूज करते हो तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वीपीएन क्यों जो है सऊदी में चलाना गैर कानूनी माना जाता है, इलीगल माना जाता है। तो आई होप कि मैंने जो आप लोगों को जानकारी दिया समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपका दोस्त सऊदी में वीपीएन चलाता है उसको इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यही करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।